नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, सीएम योगी का आज तूफानी दौरा होने वाला है। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है सीएम योगी के लिए, और इसी के साथ ही यूपी के कई शहरों का दौरा करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे मेरठ, जहां वो 2:20 पर कोविड कंट्रोल कमांड का निरीक्षण करेंगे। तो वहीं इसके साथ ही 2:45 पर अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही कमिश्नरी सभागार में सीएम बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही शाम 5 के आसपास गाजियाबाद रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद में आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें, बड़ा तूफानी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज होने वाला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की किरकिरी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रही है उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ये दौरा करने वाले हैं। और आज का पूरा दिन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरों से भरा रहेगा, जहां पर सीएम योगी यूपी के कई बड़े शहरों में दौरा करेंगे और इसी के साथ ही अस्पताल व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। इसके साथ साथ दोपहर में सीएम योगी पहुंचेंगे मेरठ, जहां वो एक अधिकारियों के साथ जो है बैठक करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी कोविड कंट्रोल कमांड का भी निरीक्षण करेंगे, ताकि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया जा सके और उनमें उन्हें और ज्यादा बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कई बड़े अफसरों के साथ भी बैठक करेंगे, और इसके साथ ही कमिश्नरी सभागार में सीएम योगी की ये अहम बैठक होने जाएगी, जिसके बाद आपको बता दें इस बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं और कई दिशा निर्देश जरूर जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आरएन न्यूज के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद में रहने वाले हैं। इसके बाद रुक करते हैं बिजनौर की, और बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजनौर में कोरोना से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। शमशान घाट पर लाशों की लंबी लाइन लगी हुई है और घंटों इंतजार के बाद भी चिता जलाने का नंबर नहीं आ रहा। बड़ी खबर इस वक्त की बिजनौर से आपके सामने है, जहां पर शमशान पर दर्जन भर चिताएं लाइन से जल रही है। बिजनौर की गंगा बैराज घाट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शवों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है, समय नहीं मिल रहा है। लाइन से जो है शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और इसके बावजूद शमशान घाट के बाहर भी शवों की बड़ी लाइन जो है देखने को मिल रही है। बिजनौर में कोरोना से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, और इसी सिलसिले में जो शमशान घाट है वहां पर की जो स्थिति है काफी भयावह है। आपको बता दें, शमशान घाट पर लाशों का अंबार लगा है, घंटों इंतजार के बाद भी चिता जलाने का नंबर नहीं आ रहा है। शमशान घाट के बाहर आपको बता दें शव रखे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा जो है कर रहे हैं लोग, और इसके साथ ही शवों के अंतिम संस्कार के लिए बिजनौर के बैराज घाट से ये मामला सामने आया है, जहां पर लाइन से जो है शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, चिता जलाई जा रही है, और इसके बावजूद शमशान घाट के बाहर की जो लाइन है कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, लंबी कतार जो है शमशान घाट के बाहर लगी हुई है और शवों का दाह संस्कार करने की जो है प्रतीक्षा की जा रही है। और इसी बीच रुक करते हैं मेरठ की ओर। मेरठ से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां ब्लैक फंगस के 16 मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर मेरठ से इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बता दें, ब्लैक फंगस के 18 मामले दर्ज किए गए हैं। ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया जा चुका है। तो इसके साथ ही हापुड़ का एक मरीज दिल्ली रेफर कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, सीएमओ ने सभी अस्पतालों से ब्यौरा मांगा है। बड़ी खबर इस वक्त की ब्लैक फंगस से जुड़ी आपको बता दें, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज जो ठीक होकर घर वापस आ रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस नाम के संक्रमण के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसके जो मामले हैं अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। मेरठ से ये मामले सामने आया है, जहां पर 16 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया जा चुका है। तो वहीं हरदोई में हापुड़ में एक मरीज जो है सामने आया है, जिसकी हालत काफी गंभीर बताई गई, जिसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, सीएमओ ने भी सभी अस्पतालों से ब्यौरा मांगा है। ये ब्यौरा ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर मांगा जा रहा है, और इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से इलाज जो है
किया जा रहा है जिन लोगों को ब्लैक फंगस है। इसके साथ ही आपको बता दें सरकार की तरफ से भी एक अलग से सेंटर बनाने के लिए कहा गया है ताकि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उन्हें अलग से भर्ती किया जा सके और उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से आपके सामने है जहां पर 16 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं। तो वहीं हापुड़ से भी एक ऐसा केस सामने आया जहां पर मरीज की हालत काफी बिगड़ गई जिसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। तो वहीं इसके साथ ही सीएमओ ने भी अस्पताल से ब्यौरा मांगा है।